छाबड़ा हार्डवेयर प्लाईवुड एवं पेंट, छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने पर फैंसी बाथरूम एसेसरीज, हार्डवेयर प्लाईवुड पेंट सहित वॉल डिजाइन एलईडी मिरर की पूरी रेंज मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। एक जानवर को खाते हुए यह वीडियो खंडवा का है और ये खंडवा के कुत्ते हैं। इन दिनों इन कुत्तों की खंडवा में मौज हो रही है क्योंकि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये किसी को भी काट सकते हैं, झुंड बनाकर किसी पर भी हमला कर सकते हैं और खंडवा में जिन लोगों पर इनकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसा ना करें वो ठंड में गोदड़ी, खंडवा की भाषा में कहें तो ओढ़कर सो रहे हैं, यानी कंबल ओढ़कर सो रहे हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं क्योंकि समर्थ पिता प्रवीण सिंह निवासी जगदम्बा नगर, जो मात्र 7 साल का है, आवारा कुत्ते इस बच्चे पर लपक पड़े और इस बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद इसे खंडवा जिला अस्पताल लेकर आया गया। आपको बता दें खंडवा के समाजसेवी सुनील जैन ने इस विषय पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी भोपाल में एक बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित नगर निगम के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई भी की थी। लेकिन इस तरह की कार्रवाई का डर प्रदेश के अब किसी भी नगर निगम के अधिकारी को नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो घटना भोपाल में हुई ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की है, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी ने सीख नहीं ली। नगर निगम के अधिकारियों से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक एनजीओ को कुत्ते को पकड़कर नसबंदी करने से बड़ी दिक्कत थी। उन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद जो ठेकेदार था कुत्तों की नसबंदी करने वाला, पकड़ पकड़ कर उसने अपना काम बंद कर दिया और छोड़कर चला गया, जिसके चलते इस समय खंडवा में कुत्तों की पूरी फौज गली में चौधरी बनकर घूम रही है, यानी चौड़े होकर झुंड के झुंड बनाकर घूम रहे हैं। लोगों को इस समय अपने बच्चों को गली में बाहर छोड़ने में डर लग रहा है क्योंकि इतनी संख्या में कुत्तों ने अपनी एक तरह से गैंग बना ली है। पहले वैसे कुत्ते एक मोहल्ले के दूसरे कुत्ते में आने पर एक दूसरे को भौंकते थे, परंतु आजकल ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों की तरह उन्होंने भी अपना गठबंधन बना लिया है और वो लोग अब एक दूसरे पर ना भौंकते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके में झुंड बनाकर आसानी से विचरण कर रहे हैं। और जो लोग घर के बाहर होते हैं जब इन कुत्तों की फौज आती है तो लोग डर जाते हैं। जनता ने अपील की है कि इस तरह के जो कुत्तों की पूरी फौज खंडवा में घूम रही है उन्हें जंगल में छोड़े, नसबंदी करके उन्हें शहर के बाहर फेंकें ताकि शहर के लोग सुकून शांति से अपने बच्चों को गली मोहल्ले में खेलने दें। और इस बात को लेकर खंडवा में काफ़ी नाराजगी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें आंदोलन तक करना पड़ेगा और कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।